हर तरह का अभ्यास रखो, कभी भूखे रहने का भी अभ्यास रखो, कभी साधारण बिस्तर पर सोना पड़े तो भी हंसते हंसते सो जाना, कभी अच्छे बिस्तर पर सोने का अवसर मिले तो भी प्रेम से सो जाना, लेकिन बिस्तर को खराब मत करना, उसमें नाक थूक मत लगाना, संभाल के रखना, गंदगी मत फैलाना, तमाकू का कचड़ा वहां मत रखना। अतिथि को देवता कहा जाता है, गुरु को देवता कहा जाता है, संतों को देवता कहा जाता है, माँ बाप को देवता कहा जाता है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, परस्पर देव भव, ये सब देव स्थान प्राप्त करते हैं। किसी के यहां अतिथि बन करके जाओ, उसका सामान बिगाड़ो मत, तुम देवता हो। इतनी सुंदर चादर उसने बिछाई है, अगर आपके पांव गंदे हैं तो पैर धोकर आइए, पांव गंदे हैं तो थोड़ा चटाई पर बैठ जाइए, इतने सुंदर बिछौने को खराब मत करो। और जिसके यहां अतिथि बनो, प्रेम से अगर खिचड़ी खिलाए तो खीर जैसी प्रसन्नता व्यक्त करो, और कहीं शिकायत ना करना, अरे इनके यहां गए थे तो खिचड़ी खिला दिया, इनके यहां गए थे अलवा जलवा खिलाया था, ये मत बोलना। कुछ अलवा जलवा नहीं है, जब पेट की बीमारी कोई दवा से ठीक नहीं होती है तो खिचड़ी और दही ही पेट की बीमारियों को खत्म करता है, इसलिए खिचड़ी खराब नहीं है। और फिर छत्तीसगढ़ में तो इतने टाइप की रोटियां बनती हैं, भारत का कोई प्रदेश इतनी रोटियों को जानता नहीं, अंगाखर रोटी क्या बात है, आरसा रोटी वाह, खपुर्री रोटी और कौन, चिल्ला रोटी, चिल्लाते रहो नहीं मिलेगी रोटी, चिल्ला रोटी और है? मुठिया रोटी और पान रोटी और है? बेलना रोटी, किसी प्रदेश में इतनी रोटी नहीं बनती है। एक वो मोटी मोटी जो बनती है बहुत बड़ी, उसका क्या नाम है, पान रोटी, एक बार बस खाया उसको, उसको देखते ही लगा भयानक है स्कूटर का पहिया बिल्कुल। पहले तो हिम्मत नहीं पड़ी, फिर थोड़ा टुकड़ा मिला तो टेस्ट बहुत आया, तो फिर मांगा दोबारा कि और दे दो पान रोटी, कभी चांस पड़ेगा फिर खाऊंगा आपके, लेकिन अब इसलिए नहीं खाता हूं ये सब ज्यादा, क्योंकि बुद्धि थोड़ा कम हो जाती है ये सब ज्यादा पकवान खाने से, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, इसलिए सादा भोजन, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए, ध्यान घटै चित को भर माए, ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए, ध्यान घटै चित को भर माए, तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए, 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 प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटै कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए, 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 दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, दयाल कहीं सुन रे नर मूरख,
पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित को भर माए। मूर्ख की संगत से ज्ञान घट जाता है, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गाठी का जाए। कोयला होए न उजला, जो सोमन साबुन लाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित को भर माए, ध्यान घटे चित को भर माए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए। बहुत सुंदर। रोज रोज किसी के घर जाने से मान सम्मान घट जाता है। अपने मित्र से रोज रोज कुछ मांगो तो प्रेम घट जाता है। और याद रखना, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, बहुत सोने से भी बुद्धि घट जाती है, बहुत जागने से भी बुद्धि घट जाती है। बहुत जागने से तो मनुष्य पागल हो जाता है, बहुत बोलने से भी बुद्धि कम होने लग जाती है। ये हर समय नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा चुप रहना चाहिए। और बहुत विषयों को भोगने से तेज घट जाता है, मुखमंडल का तेज, वाणी का तेज, चरित्र का तेज छीण हो जाता है। इसलिए संसार के विषयों को संयम नियम से ही ग्रहण करो। संत को शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहिए, मन भी बहुत पवित्र रहे। ध्यान घटे चित को भरमाए, चित्त को चंचल करने से ध्यान समाप्त हो जाता है। और ध्यान के बिना ज्ञान भी नहीं होगा। ध्यान मतलब एकाग्र होना, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति कंसंट्रेट से कनेक्शन रखती है। एकाग्रता सीखो, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। एक मिनट में एकाग्र हो जाओ, दो सेकंड में एकाग्र हो जाओ। तुम्हारे पास में बुद्धि कम नहीं है, लेकिन एकाग्रता की कमी है। बुद्धि है, एकाग्र नहीं हो पाते, मन चंचल रहता है। ये वैज्ञानिक जो बनते हैं एकाग्रता का ही परिणाम है। जो विद्यार्थी डिक्टेंशन मार्क लाता है एकाग्रता का ही रिजल्ट है। और जो संत, महान संत बनता है, उसकी एकाग्रता का ही ये फल है कि वो महान संत बना है। बिजनेस में भी जो टॉप करता है एकाग्रता है उसमें, बिजनेस में पूरा ध्यान एकाग्र। ऐसा नहीं दुकान खोल दिया और दूसरे दुकान में बैठे गप्पा मार रहे। ये दुकान खोल दिया और ससुराल में खीर पी रहे। नहीं नहीं, दुकान में बिल्कुल तन मन एकाग्र हो गया है। जिसका मन राजनीति में एकाग्र है वो राजनीति में टॉप शिखर पर पहुंचता है। ये राजनीति कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल है। लोग कहते हैं आजकल राजनीति कठिन है। अरे आजकल के सब दिन सरल ही है, क्या कठिन उसमें। राजनीति में वे लोग ज्यादा सफल होते हैं जो लोग पहले
ज्ञान प्राप्त करते हैं। राजनीति में सफल होने के लिए, बिजनेस में सफल होने के लिए भी आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी सफल होने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए, प्रसन्न होकर जिंदगी बिताने के लिए आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है। मैं कौन हूं, संसार क्या है, यह ज्ञान होना चाहिए। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं, मैं ये परिवार नहीं हूं। ये सब चीजें हमसे पृथक है, अलग है। हम ऐसे हैं जैसे जल में कमल रहता है, कमल से जल अलग रहता है, ऐसे इस दुनियादारी से हम अलग रहते हैं। हम बुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। स्वरूप बोध प्राप्त करो। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती है। जो भी हानि होगी, सब नाशवान संसार की चीजों की हानि होगी, आपकी हानि नहीं होगी। मकान की हानि तुम्हारी आत्मा की हानि नहीं है, दुकान की हानि तुम्हारी आत्मा की हानि, चुनाव की हार तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी आत्मा को दुनिया में ना कुछ प्राप्त हो सकता है, ना इसमें कुछ खो सकता है, क्योंकि आत्मा ओम पूर्णमदः पूर्णमदः चित्ते पूर्णमस्य पूर्णमेव अवशिष्यते, ये सब पूर्ण ही है। इसमें कुछ अपूर्ण नहीं है, कमी नहीं है, इसमें और कुछ डाला नहीं जा सकता है और इसमें से कुछ निकाला ही नहीं जा सकता है। इसलिए तुम पूर्ण तत्व हो, आत्मा हो, तुमको क्या दुख है संसार, कोई दुख नहीं, खुश रहा करो। जितना ज्यादा तुम प्राणी पदार्थों में चिपकते चले जाओगे, उतना हाय हाय में जिंदगी बीतेगी। तब कबीर को कहना पड़ता है कि हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सम्माही समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गए, हा हा मर्म न काहू पयो। साहब कहते हाय हाय करता हुआ सारा संसार मरता चला जा रहा है। कोई हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बहू, हाय शादी, हाय बर्बादी, हाय आबादी, दुनिया भर का लफड़ा, ये सब हाय हाय में जिंदगी बीत गई। लेकिन नहीं, कबीर साहब ये भी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, जिंदगी को खेल समझता हूं, हंसूंगा और ध्यान लगाऊंगा, हंसते हंसते ध्यान करूंगा। ध्यान तुमको सुस्ती नहीं देता है, ध्यान मस्ती देता है। अगर ध्यान करने से सुस्ती आती है तो तुम्हारा ध्यान बिना ज्ञान के हो रहा है। जो ध्यान ज्ञान से जन्म लेता है, वो ध्यान 24 घंटे मस्ती में तुमको डुबा देता है, वो सुस्ती नहीं देता है। तुम्हारी भक्ति को भी ताजा कर देता है। साहिब बंदगी बोलो। अब समाप्त करूं कि 2-5 मिनट और सुनो। आज मेरे प्रबंधक ने कहा था कि राइट टाइम शुरू करो, राइट टाइम बंद करो। बोला ये बात खराब लगती है, तो हमने कहा मैं आ जाऊंगा टाइम पर देखता हूं तेरे को। बोले हम आपसे 1 घंटे सब रेडी पहले रखते, तो उसका सब रेडी है, तो राइट टाइम शुरू हुआ है, राइट टाइम बंद हो जाए क्या? 2 मिनट और, तो उधर कौन जा रहा हो पर्दा से निकल कर? बुलाओ उसको, पकड़ो, ए भगत, ए भगत, ये हमसे ज्यादा राइट टाइम है। वो सोच रहा मैं तो राइट टाइम निकल जाऊंगा, तुम चलो सुनाते रहो अकेले। अरे बैठो बाबा, कहाँ जा रहे हो, घर तो पहुंच ही जाओगे। आपके घर पे जो जानवर रहता ना, उसको भी 2 किलोमीटर दूर छोड़ दो, वो भी वापस घर लौट आता है। आपके द्वार पर जो कुत्ते कुतिया रहते हैं, उनको बोरिंग बंद करके 10 किलोमीटर दूर छोड़ दो, शाम तक वो भी ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। लेकिन आदमी को संदेह, घर ढूंढे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तुमको भी घर मिल जाएगा, कहाँ टेंशन कर रहे फालतू जा रहे, बैठो, कोई नहीं जाएगा, सीधे बैठ जाओ। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जानई न जानई, मानई न मानई, जानई न जानई, माने न माने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई, जानई न जानई,
मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई स्वस्त रहो मस्त रहो जाने न जाने। व्यस्त रहो जाने न जाने माने न माने जाने न जाने माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी भक्ति प्रखर भक्ति हो, कुनमुनी भक्ति न हो, परिपक्व भक्ति हो, आपका प्रेम सागर बन जाए, माँ के लिए, पिता के लिए, गौ माता के लिए, गुरु संत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आपका प्रेम बरसता रहे, आपका मन सदैव प्रसन्नता की अनुभूति करे, आपको चिंता न रहे, चित्त में प्रसन्नता रहे, ऐसी व्यास गादी शुभकामना करती है। आपके भीतर बैठे हुए पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा को मैं साहिब बंदगी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनके मन में इच्छा होती है कि सारी जिंदगी स्वार्थ में बीती जा रही है, अभी भी अवसर है, थोड़ा परमार्थ करो, थोड़ा धर्मार्थ करो, सेवार्थ के लिए भी समय दो,